आचार संहिता लगने के पूर्व वर्षों से रिक्त पड़े सिडको अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निकटवर्तीय कहे जाने वाले विधायक संजय शिरसाट को नियुक्त किया गया है। केवल एक महीने के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त संजय शिरसाट ने आज सिडको अध्यक्ष पद का पदभार संभाला, जहां उनका स्वागत करने सिडको उपाध्यक्ष व व्यवस्थापक के संचालक विजय सिंघल, सह व्यवस्थापक के संचालक सहित सिडको के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर संजय शिरसाट ने कहा कि सिडको ने राज्य के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरी नियोजन और विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्राधिकरण सिडको की पहचान है। साथ ही सिडको द्वारा नवीनबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नैना प्रकल्प, मास गृह निर्माण योजना आदि का विकास भी हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनका ध्यान महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर होगा। पत्रकारों से बात करते हुए इस दौरान संजय शिरसाट ने कहा कि सर्वसामान्य लोगों का प्रश्न हल करना और उनके हितों का निर्णय लेना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं सिडको को लेकर लोगों का जो दृष्टिकोण है उसे बदलना एक चुनौती। मी असं ठरवलेलं आहे की आपल्या कार्यकालमध्ये जे काही प्रायोरिटी आहेत, प्रायोरिटी सर्वात पहिल्यांदा असणार आहे ती सर्वसामान्य माणसाची। त्यांना जे काही अडचणी असेल तर त्याला प्रायोरिटी फर्स्ट असणार आहेत। त्यानंतर ज्या सिडकोकडे काही लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे त्याला रिपेअर करण्याचं काम सुद्धा आम्ही करणार आहोत। गैरसमज तून निर्माण झालेले काही प्रश्न किंवा त्यांच्या कामामध्ये असं जर त्यांना साहजिक आहे वाटत असेल की कामामध्ये अडचण येते किंवा लेंदी प्रोसिजर आहे किंवा काही ज्या बाबी ज्या आपल्याला तातडीने सॉल्व करता येईल, सॉर्ट आउट करता येईल, जेणेकरून सर्वसामान्य माणसाला त्रास होणार नाही, ही भूमिका सिडकोची असणार आहे। जब उनसे पत्रकारों द्वारा सिडको द्वारा लाड़के उद्योगपति कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देकर नवी मुंबई की भूखंडों को कौड़ी मोल दाम में बेचने के मुद्दे पर सवाल किया गया, तब संजय शिरसाट ने साफ शब्दों में कहा कि सिडको में पारदर्शिता के साथ ही काम करने पर उनका जोर होगा। लाड़के उद्योगपति आता अमित लाड़की बहन काढले होती, लाड़का भाऊ काढलेला आहे, पूरा आता तुम्ही लाड़के उद्योगपति नवी मुंबई मध्ये कॉन्सेप्ट येतो मला ते समजून घेऊ द्या। नंतर आपण त्यावर बोलू। आजकाल सिडको म्हणजे नवी मुंबई असं समजलं जातं, पण सिडको म्हणजे महाराष्ट्र आहे आणि त्याची व्याप्ती मोठी आहे। मग या ठिकाणी जर असे भूखंड इतरांच्या फायद्यासाठी जर वापरले जात असेल निश्चित त्याच्यावर आम्ही योग्य तो निर्णय जरूर घेऊ। त्याच्यासाठी कुणाला कोण मोठा आणि कोण छोटा याच्यासाठी आम्ही कधी कॉम्प्रोमाइज करणार नाही। वहीं नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों को 12.5% भूखंडों का लाभ प्रदान करने में विफल सिडको और नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों को फ्री होल्ड लैंड प्रदान करने के मुद्दे पर संजय शिरसाट ने अपनी सकारात्मक भूमिका रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।